आखिरकार टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए यात्री अब हमारे बीच नहीं रहे। जैसा कि बताया जा रहा था कि पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में अप्रैल 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए गई थी। रविवार से अमरीकी कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन में एक इंटरनेशनल सर्च की टीम के साथ लापता पनडुब्बी का पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि पनडुब्बी में 96 घंटे का ही ऑक्सीजन है, जिसके गुरुवार की सुबह खत्म होने की पूरी संभावना थी। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने बताया कि सर्च टीम को टाइटैनिक के पास लापता पनडुब्बी टाइटन का मलबा मिला है। समुद्र तल पर टाइटैनिक से लगभग आधा किलोमीटर दूर टाइटन पनडुब्बी के टेल कोन की खोज की गई है। ओशन गेट अभियान ने समुद्र की सतह से 3800 मीटर नीचे मलबे तक पहुंचने के लिए पनडुब्बी का उपयोग किया था। ओशन गेट एक्सपीडिशन ने एक बयान में कहा है कि उनका मानना है कि टाइटैनिक ब्राउन सबमरीन बल के 5 यात्रियों की दुखद मौत हो गई है। मारे गए इन यात्रियों में अरबपति एक्सप्लोरर हाशमी हार्डिंग, फ्रांसीसी एक्सप्लोरर पोन हेनरी नार्जियोलेट शामिल हैं। पनडुब्बी में टाइटैनिक जहाज के अवशेष को देखने के लिए 5 सदस्यों को लेकर जाने की क्षमता थी। इसमें सवार एक यात्री ब्रिटिश बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन हाशमी हार्डिंग स्पेस टूरिस्ट और दुबई एवेंशन एकेडमी के प्रेसिडेंट थे। हामिश हार्डिंग वही शख्स हैं जिन्होंने निम्बिबिया से चीता लाने की परियोजना में भारत सरकार का सहयोग किया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी यात्रियों की सूची में शामिल है। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे बड़े समूह में से एक एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनका फर्टिलाइजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी में डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट था। एक वेबसाइट के अनुसार वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ब्रिटेन में रहते थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ओशन गेट के फाउंडर और CEO टन रश और फ्रांसीसी पायलट पोन हेनरी नार्गोलेट भी पनडुब्बी में सवार थे। आइए अब बात करते हैं कि ओशन गेट ने कैसे डिक्लेयर किया एक्सीडेंट का। मलबे की शुरुआती जांच से पता चला कि टाइटन पनडुब्बी विस्फोट के कारण डूब गई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट इसके इंस्ट्रूमेंट या ऑक्सीजन टैंक में हो सकता है। यह पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम थी। इतनी गहराई पर दबाव सतह से 296 गुना ज्यादा होता है। अगर पनडुब्बी तेजी से नीचे जाए तब भी विस्फोट की सिचुएशन बन सकती है। अभी ओशन गेट ने कहा है कि वह मलबे की डिटेल से जांच करने के बाद ही एक्सीडेंट के मेन रीजन का खुलासा कर पाएगी।